नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास शो खेल खबर। आखिर कौन सी बात बनाती है जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को खास, आज हम इस पे ही बात करेंगे। लाइन लेंथ, रफ्तार, यार्कर, बाउंसर, इन स्विंग, आउट स्विंग, एक तेज गेंदबाज को और क्या चाहिए। इन सभी हथियारों से लैस योद्धा है जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी का यह अगुआ है। 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे बुमराह की प्रतिभा का लोहा दुनिया ने पहली बार आईपीएल में देखा। दुनिया की सबसे महंगी लीग में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के सामने बुमराह ने न ही सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि आज अपनी मेहनत के दम पर विश्व के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए। अब बात करते हैं बुमराह की खासियत क्या है। बुमराह की गेंदबाजी में सबसे खास बात है उनका क्लियर थॉट्स, यानी स्पष्ट सोच। गेंद फेंकने से पहले जब वो अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हैं तो उन्हें किसी तरह का भ्रम नहीं रहता। वो डबल माइंड नहीं होते, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी नहीं होते, लिहाजा उन्हें अपनी कमजोरियों का एहसास भी है। टेस्ट क्रिकेट से लेकर T20 तक की गेंदबाजी के लिए उनके पास अलग अलग प्लान हैं। उनमें सीखने की जबरदस्त क्षमता है। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग पिच पर किस तरह की गेंदबाजी असरदार रहेगी, ये बात वो हर रोज सीखते हैं। यही वजह है कि तीनों फॉर्मेट में वो इस वक्त टीम इंडिया के सबसे जबरदस्त गेंदबाज हैं। वनडे क्रिकेट में वो लंबे समय से ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। बुमराह एक्शन को ही बनाया अपना ताकतवर हथियार। बुमराह का गेंदबाजी एक्शन काफी अलग है। वो स्लिंग आर्म से गेंदबाजी करते हैं। करियर के शुरुआती दिनों में उनकी लिमिटेशन थी कि वो दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए गेंद बाहर नहीं निकाल पाते थे, उनके पास आउटस्विंग नहीं थी। बुमराह ने इस कमजोरी को समझा और नेट्स में नई तरह से तैयारी की। जल्दी वो अपने आक्रमण में आउटस्विंग भी लेकर आए। जस्सी की सटीक यार्कर की तारीफ दुनिया का हर बल्लेबाज करता है। बुमराह ने हाल के दिनों में अपनी शॉर्ट्स गेंद पर जबरदस्त मेहनत की है। बुमराह की शॉर्ट पिच गेंद की भी एक्यूरेसी जबरदस्त होती है। उनकी शॉर्ट पिच गेंदों पर बचना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। बुमराह का होना इस समय भारतीय टीम का सबसे पॉजिटिव पहलू है। बुमराह ने साल 2016 में वनडे टीम इंडिया में अपना डेब्यू किया था। अपने डेब्यू साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं। बुमराह ने साल 2013 में IPL में मुंबई इंडियंस की ओर से डेब्यू किया। इस सीजन में उन्होंने केवल 2 मैच खेले, लेकिन सबको अपनी अनोखी बॉलिंग एक्शन से प्रभावित किया। इसके बाद अगले साल 2014 में अपनी शानदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया और अपनी अलग पहचान बनाई। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे खेल खबर में नई जानकारियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और आप देखते रहें हिंदी खबर। धन्यवाद।